हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरा चैनल सोना टिप्स में। जब आप आ ही चुके हैं तो मेरे सारी वीडियोस देख के तभी जाइएगा, वरना मत जाइए। और मेरी वीडियोस अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वो मुफ्त में होता है, उसमें पैसे नहीं लगते। सब्सक्राइब करने के लिए जो लाल वाला बटन है उसको दबा दीजिए, उसके पास जो बेल वाला बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। दबाने के बाद आपको बेल आइकन के दो तरफ दो एरो आएंगे, तब आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि मेरा जो भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी वो सीधा वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाएंगी। और दूसरी बात मेरे चैनल के बारे में ये है कि मैं एक ही चैनल में दो दो लैंग्वेज में वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, एक सुबह 6 बजे, एक दोपहर को 12 बजे। सुबह 6 बजे जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ वो होता है हिंदी में, जो दोपहर को करती हूँ वो होता है बंगला में। तो एक ही टॉपिक एक ही रहता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों से मैं नहीं आ पाई थी, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और मैं खुद भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी कि कब, मैं सोच रही थी कब आप लोगों के सामने आप लोगों से फिर से अपनी जो भी मुझे पता है अपनी नॉलेज वगैरह सारी सब कुछ शेयर करूँ, लेकिन नहीं आ पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी। और हाँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है कि मेरा जो चैनल है वो सोनपरी थी, उसका नाम मैंने चेंज कर दिया है, उसका नाम अभी हो गया है सोना टिप्स। तो आगे से आगे ज़्यादा बातों को गोल गोल ना घुमाते हुए सीधा चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। और आज का हमारा लक्ष्य है सनस्क्रीन बनाना, और वो भी हमारे मार्केट में जो सनस्क्रीन जितने SPF हमें मिल जाते हैं 80-85, उससे कई ज़्यादा छोड़ के, उन सबको पीछे छोड़ के एक 115 SPF का सनस्क्रीन बनाना है हमें। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि कैसे हम इतनी ज़्यादा SPF की सनस्क्रीन आप अपने घर में बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं मेरी तरह। अगर आपने भी आप आज ये वीडियो देख लोगे तो इसके बाद आप ज़रूर बना लोगे। और ये ज़्यादा SPF उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग ज़्यादा बाहर धूप में ज़्यादा रहते हैं, या ज़्यादातर धूप में जिनको भी काम करना पड़ता है वो लोग इसे यूज़ करें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो अब ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी, आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या इंग्रेडिएंट लग रहा है, और आप भी अपने तरीके से इसको बना सकते हैं, SPF इससे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, वो है आपके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप सबको पता है कि आज मैं एक जेल में सनस्क्रीन बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने लिया है गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल, जो वाइट एलोवेरा जेल है ये। और अगर आप चाहते हैं तो पतंजलि का भी एलोवेरा जेल आप यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी ब्रांड का आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, आपकी मनपसंद के कोई भी एलोवेरा जेल। ओके, एलोवेरा जेल हमारी इसका जो स्किन में बेनिफिट्स है वो है कि आप ये एंटी एजिंग इसमें प्रॉपर्टीज रहती है, ये मॉइस्चराइज करता है स्किन को, डार्क स्पॉट, एक्ने, स्कार्स, इस सब के ये सबको ठीक करने में हम स्किन की मदद करता है और स्किन को ग्लोइंग बनाता है। तो इसलिए मैंने एलोवेरा जेल इसमें डाला है। और जब भी ये जो सनस्क्रीन है ये बेसिकली आपका काम में आएगा आपका ऑयली स्किन वालों के लिए और नॉर्मल स्किन के लिए। अब जो मैं इसमें डालने वाली हूँ वो है कैलामाइन पाउडर, ये भी आप इसमें जिंक ऑक्साइड रहता है और इसका जो SPF होता है वो है 45 SPF। ओके, तो अब कैलामाइन पाउडर भी आपके स्किन के एक्नेस को ठीक करने में आपका काम करता है, और उसके बाद स्किन को प्योरीफाई करता है, क्लीननेस स्किन को क्लीन करता है, एक्सफोलिएट करता है डेड सेल को। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है कैलामाइन पाउडर का। अब मैं जो नेक्स्ट यूज़ करने वाली हूँ वो है, और कैलामाइन पाउडर का SPF है मैंने पहले ही बताया 45 है, लेकिन मैं 40 पकड़ के चल रही हूँ कि 40 SPF पकड़ रही हूँ। इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ विटामिन ई ऑयल। तो इसमें विटामिन ई ऑयल भी हम लोग के सन के रेज़ को ब्लॉक करता है, हमें स्किन तक पहुंचने नहीं देता है, प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से, और सनबर्न के अगेंस्ट स्किन को भी प्रोटेक्ट करता है। तो मैंने इसीलिए विटामिन ई ऑयल डाला। इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ एवोकाडो ऑयल, और एवोकाडो ऑयल में भी रहता है 15 SPF। हाँ, तो इसको भी मैं ले लेती हूँ कुछ बूंदे, बूंदे निकल नहीं रही है तो मैं चम्मच में ही डाल के ले लूँगी अब।
तो आज और सारी भी जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैं सारी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगी। अगर आप लोग चाहते हो, लेना चाहते हो और खुद बनाना चाहते हो तो कर सकते हो, मतलब चेक कर सकते हो आप लिंक पे जाके। तो मैंने कैलामाइन पाउडर का पकड़ लिया, 40 एवोकाडो का पकड़ लिया, 15। इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ रेड रोजबेरी ऑयल, और इसके अंदर रहता है 30 SPF। ओके, वो क्वांटिटी में थोड़ा कम आता है, छोटा सा लेकर लिया था मैंने। अब चाहो तो बड़ा ले सकते हो, कोई बात नहीं। इसके बाद मैं उसी को यूज़ करने वाली हूँ। रेड रोजबेरी ऑयल में बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर रहता है विटामिन सी, और वो स्किन कैंसर से आपको प्रोटेक्शन देता है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किन जब आप सनस्क्रीन बना रहे हो तो इसको डालो। ओके, तो अब इसको मैं कुछ बूंदे में लेने वाली हूँ चम्मच में खोल के, और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी अपने घर में बनाया हुआ कैरेट सीड्स ऑयल। तो कैरेट मैंने जो किया है, कैरेट को भी, कैरेट से भी एक ऑयल, थोड़ा ऑयल निकाला है और कैरेट से भी ऑयल बनाया है, और उसके सीड से भी मैंने ऑयल बनाया है, दोनों को मिक्स कर दिया है। आई थिंक 30 SPF तो मेरे कैरेट ऑयल में जो मैंने खुद बनाया उसमें हो ही जाएगा। तो ये है, इस टाइप का कलर हो गया उसका, कैरेट के दोनों मिक्स कर दिया मैंने। तो आप 40, 50, 30 पकड़ लो, आपका आसानी से हो जाता है 115 SPF। और कैरेट में होता है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़, इसके अंदर विटामिन ई ऑयल है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, और स्किन के लिए एक न्यू लाइफ, स्किन को एक न्यू लाइफ देता है, तो ये बहुत ही अच्छी होती है। ये पूरा सारा इंग्रेडिएंट्स आप डाल दीजिए अपने सनस्क्रीन के अंदर, और उसके बाद उसको मिक्स करते रहिए, अच्छे से मिक्स कीजिए, और उसके बाद आपको उसको फेस पे यूज़ करना है। मेरा बनके रेडी है मेरा सनस्क्रीन, तो अभी मैं आप लोगों के सामने इसका डेमो दिखाती हूँ और मैं खुद अपने चेहरे पे अप्लाई करती हूँ। देखिए इंस्टेंटली ग्लो नज़र आ रहा है मेरी इस साइड पे, और इस साइड पे थोड़ा सा डार्क है, इससे ज़्यादा, इससे कम है थोड़ा सा, देख सकते हैं आप। तो ऐसा होगा इसका जब आप अपने फेस पे लगाने वाले हो, तो थोड़ी सी वाइटनिंग भी आ जाएगी आपके चेहरे पे, ग्लोइंग तो आ ही जाएगी, और आपको सनरे से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी करने वाला है। तो बना लीजिए अपना सनस्क्रीन खुद का घर के। आज से मैं कुछ स्टार्ट करने वाली हूँ, एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, वो है सन रेज से प्रोटेक्शन का एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आज उसका पहला दिन था, तो आज मैंने ये आपके लिए लेके आई थी ये धमाका, और अब धीरे धीरे आप देखते जाइए और बड़े बड़े धमाके के लिए रेडी होते रहिए। और नेक्स्ट जो मैं लेके आने वाली हूँ वो है सन टैन रिमूव करने के लिए एक सोप लेके आने वाली हूँ, जो आपके सन टैन को बहुत जल्दी गायब कर देगा। तो अगर आपको देखना है तो ज़रूर मेरी वीडियोस देखते रहिए, और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए टाटा। ज़रूरी बात, आपको किसी भी चीज़ से, आपको कोई भी वीडियोस मेरी देखनी हो, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सबका अलग अलग करके मैंने सबको पार्ट पार्ट करके रखा है, ताकि आप लोगों को कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं हो। हर चीज़ का प्लेलिस्ट बना के रखी हूँ मैंने, रखा है मैंने कि शॉपिंग अलग हो गया, स्किन केयर अलग हो गया, सबका अलग अलग है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आपके लिए जो भी लगेगा कि हाँ ये आपके लायक है उसको आप देख सकते हैं।